यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। सोनीपत में आपसी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार गैंगस्टर रवि लांबा के पिता अतर सिंह की मुनिया गैंग ने खेत से लौटते वक्त अंधाधुंध गोलियां मारकर हत्या कर दी। मुनिया गैंग के सरगना मुनिया और अन्य के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कुछ वर्ष पहले रवि लांबा गैंग ने मुनिया के भाई की हत्या कर दी थी। उसका बदला चुकाने को आज रवि गैंगस्टर के पिता की हत्या की गई है। पुलिस की ओर से मिली जानकारी के अनुसार रवि लांबा और मुनिया दोनों ही बरोड़ा गांव के रहने वाले हैं। दोनों अपना अलग अलग गैंग चला रहे थे। दोनों गैंग अपहरण, लूट, डकैती जैसी वारदातों में शामिल हैं। और गौरतलब है कि सोनीपत जेल में दोनों इकट्ठे बंद थे और किसी बात को लेकर जेल में ही इनकी दुश्मनी हो गई थी, जिसके बाद अब इन दोनों गैंग के बीच गैंगवार चल रहा है। सुबह करीब 8 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी, बरोड़ा मतर सिंह का मर्डर हुआ है। तो सूचना पर हम पहुंच गए थे। उसका लड़का जोगिंदर वहाँ मौजूद था, जिसने बताया कि मुनिया है जो इसका भाई का पीछे मर्डर हुआ था 8-9 महीने पहले, और उसके ऊपर ये इल्जाम लगा था कि अतर सिंह का जो लड़का है रवि उर्फ लांबा, जो अभी जेल में बंद है, कि उसने जो है मेरे भाई की हत्या करवाई साजिश के तहत, और उसी हो सकता है उसी साजिश के तहत इसने जो है ना बदला लेने की नीयत से इसके भाई इसके पिताजी का मर्डर करवाया है।